मानव कल्याण शिक्षा समिति द्वारा संचालित सर्वपल्ली राधाकृष्णन एमएड कॉलेज नोगली बालना में वार्षिक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि कार्यवाहक अध्यक्ष रेगुलेटरी कमीशन हिमाचल प्रदेश निजी शिक्षण संस्थान नियामक आयोग शशिकांत शर्मा ने एमएड कॉलेज के प्रशिक्षु अध्यापकों को बेहतर शिक्षक बनकर समाज में चेतना लाने का संदेश दिया। ये सोसाइटी शिक्षा के क्षेत्र में पिछले कम से कम 23 साल से काम कर रही है और इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा इम्पार्ट करना है और इस सोसाइटी ने टेक्निकल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज 2002 से इंट्रोड्यूस किए थे हिमाचल प्रदेश में, जो कि हिमाचल यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड रहते हैं और टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड से एफिलेटेड रहते हैं। तो ऐसे ही एक संस्थान सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षण संस्थान नोगली में है। यहाँ पर बीएड एवं एमएड कोर्स करवाए जाते हैं और बच्चों को ये संस्था जो है, जैसे गरीब बच्चे होते हैं उनको स्पेशल फीस में भी कंसेशन देती है। सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।